दशहरा बरफात दीपावली एवं छठ पूजा को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के उद्देश्य से शांति एवं सद्भावना समिति की बैठक जिलाधिकारी विजय किरण आनंद की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने कहा कि त्योहारों को COVID-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए परम्परागत रूप से शांतिपूर्ण एवं सौहार्द वातावरण में सकुशल ढंग से मनाएं। त्यौहार सभी का होता है, कानून व्यवस्था का 100% अनुपालन किया जाए। शांति व्यवस्था में खलल पैदा करने वालों की खैर नहीं है। जिलाधिकारी ने मूर्ति आयोजकों से अपील की है कि वे प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर, मास्क आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए दुर्गा पंडाल पर CCTV कैमरे भी लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो और प्रतिमा का आकार छोटा होना चाहिए। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि मूर्ति विसर्जन में छोटी गाड़ियों का प्रयोग किया जाए और भीड़ पर कंट्रोल रखा जाए। उन्होंने साफ सफाई, विद्युत, जलापूर्ति अनवरत बनाए रखने तथा जर्जर व ढीले तार एवं पोल को प्रमुखता के आधार पर ठीक करने के साथ ही सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए। बैठक में SSP डॉ. विपिन ताडा ने कहा कि जनता की कुशलता हेतु पुलिस निरंतर तत्पर है। सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिगत पुलिस बल पर्याप्त संख्या में उपलब्ध रहेगी तथा ट्रैफिक व्यवस्था चुस्त दुरुस्त रहेगी। उन्होंने कहा कि यदि कहीं कोई भी समस्या हो तो तत्काल अवगत कराएं ताकि उसका त्वरित निराकरण कराया जा सके। इस मौके पर अपर जिलाधिकारी नगर विनीत सिंह, नगर मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव, SDM, SP, CO सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी तथा शांति समिति के सदस्य डॉक्टर सुधाकर पांडे, आदिल अमीन, सरदार बलबीर सिंह अन्य लोग मौजूद रहे। कोई प्रोटोकॉल अभी तक लागू हुआ है क्या? क्योंकि प्रोटोकॉल के अभाव में सर सारे जितने जितने आयोजक हैं उनको अभी भी असमंजस की स्थिति है, कंफ्यूजन की स्थिति है। गाइडलाइंस वही है कि किसी भी प्रकार की भीड़ लगने नहीं देना है। जो हमारी निर्धारित संख्या है, जो आयोजक को जिसकी परमिशन दी गई है, उससे ज़्यादा किसी भी समय किसी भी कंडीशन में इससे ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं होना है। और अगर कहीं भीड़ इकट्ठा होगी तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी आयोजक की होगी। उसके अलावा किसी भी तरह से जो जुलूस निकलते हैं उसमें मोटर वाहन अधिनियम का कहीं भी कोई गाड़ी को मॉडिफाई करके किस तरह से निकलता है तो ये बिल्कुल भी इसको अलाउ नहीं किया गया है। फन में हम लोग यहाँ बात करेंगे और सबसे जरूरी चीज़ जो है कि जो भी आयोजक, जो भी यहाँ के बड़े मूर्ति स्थल हैं, जो भी यहाँ पे भावना होती है जिन स्थानों पर, जहाँ जैसे कि मैं कुछ उदाहरण देता हूँ, इसमें आप लोग और भी ऐड कर सकते हैं। बाद में जैसे दुर्गावाड़ी की मूर्ति है जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ इकट्ठी होती है, रेलवे स्टेशन की है, बौरिया रेलवे कॉलोनी है, कालीबाड़ी है, धर्मशाला है, हालसीगंज है, बंधु सिंह पार्क है, ये कुछ ऐसे स्थल है जहाँ पे परंपरागत रूप से पूर्व में ही बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर आयोजन होते रहे हैं। तो आयोजन करने की कोई ऐसी मनाही नहीं इस बार दी गई है, पर हाँ जो आयोजन करता है, जो भी इसका जो भी आयोजन करा रहा है उसको उस समय जो भी गाइडलाइन लागू होगी, वर्तमान में जो गाइडलाइंस हैं जिसमें 100 लोग की अनुवार्ता की गई थी उसका पालन कराना ही कराना है और शारीरिक दूरी बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। इसके अलावा कुछ चीज़ें जो ऐड हुई थी पिछली बार इस बार वो प्रभावी रहेंगी, जैसे आयोजक को CCTV कैमरा लगाना जरूरी है और इसके अलावा जो भी जनता वहाँ पर आएगी जब उनको आप प्रसाद दे रहे हैं प्रयास करिए कि उसको देते समय आप कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें। जैसे पिछली बार तो आप लोगों ने अपने से ये स्वेच्छा से कह दिया था कि हम लोग प्रसाद वितरण कार्यक्रम नहीं करेंगे या बड़े भंडारे का आयोजन नहीं करेंगे, तो ये डिसीजन भी आपको अपने स्तर से लेना पड़ेगा कि आप ये कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो उस समय के जो भी जिस जहाँ तक विसर्जन स्थलों की बात है, नगर निगम द्वारा वहाँ पे आर्टिफिशियल तालाब बनाए जाते हैं जिसमें विसर्जन करना होता है, सीधे नदी में कोई मूर्तियाँ प्रभावित नहीं करनी है। इसमें बहुत ही विशिष्ट आयोजन यहाँ पे अंधारी बाग में मानसरोवर मंदिर है, वहाँ पे रामलीला का एक जो पुष्प जैन जी द्वारा कराया जाता है रामलीला का आयोजन होता है, ठीक है, तो उसको भी कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए जो जुलूस निकलता है और जो भी है उसका पालन कराया जा रहा है। जिलाधिकारी महोदय का मीटिंग में स्वागत है। अब मैं सुधाकर पांडे जी से कहूँगा कि सब एक सर विद्युत सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जितने भी आयोजक होते हैं इसमें सर विद्युत सुरक्षा का अनुपालन करा लें। दूसरी चीज जो पूरा घर चलता है तो वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे वैकल्पिक लाइट लगती है। आपकी मूर्ति छोटी हो गई है तो तार की कोई समस्या नहीं रहेगी, तार सब सिंगल लग चुके हैं, उसमें आपको
करने का नहीं है, कुछ जहाँ सब कमजोर है उसको ठीक करना। ये सारी नीति वही सर, चाहे वो जुबली से बैंक से बोल रहे हो, ये बख्शी पूरा की आप ऐसा करूँ मौजूद है।